तो गाइस आज के शाउट आउट जाते हैं डेविल रॉकस्टार गेमर और गेम स्पेसिंग हाईलाइट। आप इनके चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और कमेंट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। तो गाइस हमें से बहुत सारे बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का 1.18 अपडेट कब आने वाला है। ये माइनक्राफ्ट में ये अपडेट आया है, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में ये अपडेट नहीं आया है। बल्कि अब तो माइनक्राफ्ट में 1.19 अपडेट भी आने वाला है। तो ये क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में ये अपडेट क्यों नहीं आ रहा और ये अपडेट इतना लेट क्यों हुआ और ये अपडेट कब आने वाला है, ये सब हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने थोड़ी रिसर्च करी और मैं गया ट्विटर में और मैंने क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का ऑफिशियल अकाउंट चेक करा और मुझे पता लगा कि जो क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग वाले हैं उन्होंने 5 दिन पहले एक मेल करी जिसमें उन्होंने लिखा था द अपडेट शुड बी आउट इन 10 डेज, मतलब अपडेट 10 दिनों बाद आने वाला है। और ये उन्होंने 25 तारीख को भेजी थी और आज कितनी है, आज हमारी 1 तारीख। तो गाइस इसका सीधा सीधा से ये मतलब है कि जो हमारी क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का नया अपडेट आ रहा है वो हमारे 5 तारीख तक मिल जाएगा या फिर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वो हमें 6 तारीख को मिल जाएगा, इससे ज़्यादा लेट हो नहीं सकता। लेकिन गाइस ये जो अपडेट है गाइस इसमें एक बैड न्यूज़ है जो लो हैंड डिवाइस वाले जो क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को खेलते हैं, जैसे गाइस 2GB RAM 3GB RAM वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2GB RAM को थोड़ा लैग देखने को मिल सकता है क्योंकि हमारा क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग 200 MB का हो जाएगा, उसका साइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से 2GB RAM वालों को लैग देखने को मिल सकता है। और आप उस लैग को सॉल्व करना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आप अपने लैग को कैसे सॉल्व करें जिससे आपका फ़ोन लैग नहीं करेगा। लेकिन गाइस लैग तो करेगा आपका फ़ोन थोड़ा थोड़ा सा, ये है पक्का गारंटी और ये क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग वालों ने भी बोला है। तो गाइस जब हम बात करते हैं कि जो क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का अपडेट, अगर माइनक्राफ्ट का कोई भी अपडेट आ जाता है उसके 2-3 दिन बाद ही क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का अपडेट आ जाता है, चाहे वो 1.17 हो, 16 हो, 15 हो या फिर कोई सा भी अपडेट हो। लेकिन 1.18 अपडेट इतना लेट कैसे हो गया, 2 महीने लेट हो गया, 2 मंथ हो चुके हैं लेकिन अब तक ये नहीं आया। तो गाइस मैं इसका आपको रीज़न बताता हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हो तो मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस जो असल में क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के जो ओनर है, जब माइनक्राफ्ट का 1.18 अपडेट आए 7 दिन हो चुके थे और जब वो इस अपडेट पे काम करने वाले थे उसी समय जो क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग के जो ओनर है वो किसी बिजनेस ट्रिप पे चले गए थे, इसकी वजह से हमारे क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का 1.18 का काम रुक गया था। अब वो कम से कम 14 दिन बाद हमारे बिजनेस ट्रिप से आए थे, इसकी वजह से क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का 1.18 अपडेट बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और बंदे क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को रिपोर्ट मार रहे थे, उसकी वजह से भी हमारे क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का जो 1.18 अपडेट है वो 7 दिन डिले हो गया। तो गाइस ये था हमारा पूरा रीजन की क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का नया अपडेट कब आने वाला है, कैसे आने वाला है। और आप जानना चाहते हो कि क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग का नया अपडेट में क्या क्या चीज़ आने वाली है तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।